नाम है कुलदीप। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, वेलकम टू द शो। और आज हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात करेंगे। मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरी प्रोफाइल पे मुझे जानते हैं। और आज मेरे साथ शामिल हैं सुहेल इलियास चौधरी साहब। और वैसे तो ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है डिजिटल मीडिया और मार्केटिंग के हवाले से, लेकिन आप जो लोग डिजिटल मीडिया की फील्ड में नहीं है, लेकिन उनसे वाकिफ नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए चाहूंगा कि सुहेल भाई आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें। जी जी, बस मैं सिर्फ एक मिनट शेयर कर लूं अपनी कम्युनिटी में ताकि हमारे साथ बहुत सारे लोग साथ आ जाए। मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया रिजवान, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है आज का ये सेशन रखा। कल भी मेरी बात हुई, मैं बस सिर्फ ये एक ग्रुप्स में जो है ना ताकि सब लोग जो है ना बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बेइंतहा रहम करने वाला है, और करोड़ों दुरूद सलाम अल्लाह रहमान रहीम। रिजवान अकरम बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं लोगों से हमारे जो एमर्जिंग स्किल्स में सबसे बड़ा स्किल आता है वो डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है, और उसके ऊपर मेरा नाम सुहेल इलियास चौधरी, मैं लाहौर से हूँ और आई एम डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट स्ट्रेटजिस्ट एंड ट्रेनर। पिछले 5-6 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और इसमें मैंने प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के साथ सर्व किया। ऑलरेडी कंसल्टेंसी दे रहा हूँ ब्रांड्स को, एज वेल एज ट्रेनिंग मेरा पैशन है, और साथ साथ तो जो मैं सीखता गया वो मैं आता भी गया आगे साथ साथ। अभी भी मैं यूट्यूब चैनल भी है सुहेल इलियास चौधरी के नाम से, प्लीज़ जो लोग तो उसको ज्वाइन करें, सुहेल इलियास चौधरी लिखेंगे तो मैं वैसे आपकी टाइमलाइन पे शेयर कर दूंगा। तो वो भी ये कि वहाँ पर भी मैं प्रीमियम अभी वीडियो शुरू किए मैंने डालना स्किल के रिगार्डिंगली, और उसके अलावा मेरी कम्युनिटी भी मैं सब शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो इंशाल्लाह जो लोग ज्वाइन करेंगे तो मेरा मकसद गिव बैक करना है इसमें। मैं अपने सफर के बारे में और अपने इंट्रोडक्शन के बारे में क्या बताऊँ, मेरा मोर देन 10 ईयर्स डायरेक्ट सर्विस का एक्सपीरियंस है, 5 साल पाकिस्तान और 5 साल दुबई का। उसके बाद 5-6 साल पहले 2014 में ISS डेट के मार्केटिंग, आई एम मार्केटियर बॉर्न मार्केटियर, मैंने इस चीज़ को स्ट्रेस किया कि अब जो है वो मार्केटिंग जो है वो डिजिटल साइड पर मूव हो, तो मैंने इसको सीखना शुरू किया 6 साल पहले, और मैंने इसकी पावर भी देखी, कुछ मुझे मुशाहिदा भी हुआ कहले कि एनुअल यकीन वाली बात है। मैं डायरेक्ट सेल्स में काम करता था, तो हम प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं जिसमें डायरेक्ट सेल्स के मेथड है, आप क्लाइंट की प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, फिर उसको पिच करते हैं, और फिर डिफरेंट वेज के थ्रू जो है वो आप डील को क्लोज करते हैं। आवाज सबको सही आ रही ना आपको भी रिजवान? ओके, तो फिर मैंने जब ये देखा, मैंने सबसे पहले एक बंदे को देखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ही वॉज डूइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसने कुछ कीवर्ड्स पे अपने को रैंक किया हुआ था और उसको इंक्वायरी जनरेट होती थी, तो मैं मुझे ये बड़ा ज़बरदस्त लगा यार कि आपको, हमें तो खुद मेहनत करके पुश मार्केटिंग करनी पड़ती थी। अभी भी जो आप PPC करते हैं या एड्स कम चलाते हैं एडवर्टाइजमेंट, पुश मार्केटिंग गई हुई है कि आप कस्टमर को पुश करते हैं प्रोडक्ट्स, ये पुल मार्केटिंग थी जो कि ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसमें कस्टमर जो है ऑलरेडी आपके पास ढूंढता हुआ आपको आता है, तो वो जहनी तौर पर 50-60% या 70-80% उसकी नीड होती है और वो ऑलरेडी रेडी होता है टू बाय योर सर्विस और योर प्रोडक्ट, तो आपको सिर्फ उसको कन्वर्ट करना होता है, तो दैट इज रियली इजी। मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बड़ी अच्छा लगा यार कि यार डिफरेंट कीवर्ड, उसका टी शर्ट प्रिंटिंग का काम था तो वो उस पर उसको लोग ढूंढते हुए आते थे, कोटेशन मांगते थे, पहले पेज पर लोग देखते हैं, पहले पेज से गूगल कहता है कि गूगल का अपना एक कोड है कि सेकंड पेज ऑफ द गूगल इज द सेफेस्ट प्लेट ऑफ प्लेस्ड ऑन द प्लैनेट अर्थ इफ यू वॉन्ट टू मर्डर समबडी बर्ड देयर, यानी आप दुनिया में कोई भी दूसरे पेज पे नहीं जाता, हम खुद देखते हैं हम कुछ चीज ढूंढ रहे होते हैं, अगर हमें पहले पेज पे नहीं मिलती हम क्या करते हैं अपनी स्ट्रिंग चेंज कर लेते हैं, हम अपनी क्यूरी चेंज कर लेते हैं। तो वो मैंने दिखा यार उसको पहले पेज पे 3rd नंबर पे था, तो वो पहले 5 लोगों से कोटेशन मांगते हैं, वो उसमें जो फिर आप कोटेशन दे, मैंने उसके साथ काम भी किया, मैंने उसके साथ इस तरह काम किया कि मैं फ्री होता था इवनिंग आवर्स में, UAE की बात करूँ दुबई में था मैं उसको, तो मैंने उससे कहा कि यार इस तरह के
वो इंट्रोवर्टिव था, थोड़ा सा बच्चा था 20-21 साल का, तो वो ना कम्युनिकेट इतना अच्छा बोल के नहीं कर पाता था, वो ईमेल पर रिस्पॉन्ड करता था। यानी उसको डेली 5-6 इंक्वायरीज डेली होती थी और वो उनको ईमेल के ऊपर रेट देता था। मैंने उससे कहा कि यार इस तरह करो, आपने जो भी इंक्वायरी आए वो मुझे कन्वर्ट कर दो, मैं फोन कॉल पे मैंने कहा वर्बली जरा और तरह होता है चीज़ों को सेल्स को क्लोज करना, कंपेरेटिवली वर्ड्स हैं वो लिखे होते हैं तो 10 लोगों का, वो आपने अगर रेट किसी ज्यादा दिया तो वो परसू नहीं करेंगे, जबकि आप तो वर्बल बात कर रहे हैं। तो अगर फर्ज करो कोई 10 दिरहम की शर्ट बना के दे रहा, टी शर्ट प्रिंटिंग, तो मैं अगर 15 दिरहम की उसको कह रहा हूँ तो मैं उसको जस्टिफाई भी करूँगा वर्बल पे, मैं उसे बताऊंगा कि 15 दिरहम की क्यों है, इसमें क्वालिटी का फर्क है। अगर आप कहते हो कि 10 दिरहम वाली आपको दूसरा बंदा रेट दे रहा है तो मैं आपको 8 में बना दूंगा, बट यू डोंट आस्क मी अबाउट द क्वालिटी, देन यू ना यू डोंट से जी एक दफा धोई तो उसके बाद प्रिंटिंग खत्म हो। सो आई एम थोड़ा सेल्स में जो है ना वर्बली जब आप बात करते हैं दैट इज डिफरेंट पिच। तो वो अल्लाह पाक का एहसान था, उसका खास था, उसका कर्म था, ये सब अल्लाह की तमाम तारीफ है उसी के लिए, अज़म इन फ़ज़ल रब्बी, उसने बोलने का और कम्युनिकेशन अच्छी दी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और कह लें कि बॉन्ड सेल्समैन था, बॉन्ड कम्युनिकेटर होता है इंसान जो कुछ चीज़ें लेके पैदा होता है। हर बंदा यूनिक है, अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई एक यूनिक खासियत दी है, तो वो अल्लाह पाक ने जो चंद एक यूनिक खासियत दी हुई थी वो मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया यार, मैं उसको फिर उसके साथ काम शुरू कर दिया, हमने पार्टनरशिप कर ली, जो परसेंटेज हमारा तय हुआ तो उसके पहले 1-2 सेल, 10 में से 1 सेल क्लोज होती थी, कभी नहीं होती थी, इस तरह उसकी 2-3 डेली होने लग पड़ी और ऑर्डर्स होने लग पड़े, वो भी खुश हम भी खुश। तो मैंने उस वक्त एसेस किया यार कि आई हैव टू लर्न दैट, मुझे खुद भी सीख। तो मैं फिर पाकिस्तान आ गया 4 साल पहले और मैंने इस सफर को शुरू किया। मैंने वहां पर मैंने गूगल पार्टनर कंपनी थी उसके साथ भी काम किया, गूगल एंडपोर्ट्स पे उसको सेल भी करते थे, उसको चलाना भी, पेड मार्केटिंग मैंने काफी हद तक वहीं सीखी। यहाँ अगर मैंने ऑर्गेनिक पे काम किया, SEO को मैंने सीखा और फिर उसको पढ़ाना भी शुरू किया, मैं ऑनलाइन लोगों को गाइडेंस देता हूँ। बहुत बड़ी कम्युनिटी अल्लाह पाक ने दी है मेरी ऑनलाइन, दूसरी प्रोफाइल मुझे बनानी पड़ी, एक पे 5,000 फ्रेंड्स पूरे हो गए थे, सेकंड मुझे बनानी पड़ी और पेज भी है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं जो सीखूँ उससे, अगर मैं मेरी मेरे जिंदगी का मोटिव ये था कि मैं सबसे पहले अपने आप को बदलूँ और फिर मेरी वजह से फिर मैं उस चीज़ को जो चीज़ मैं एक्वायर करता हूँ उससे मैं कोशिश को की जिंदगी भी बदलने में उसमें भी वैल्यू ऐड कर सकूं। तो मैं इसलिए मुझे को रात को 2-3 बजे भी मैसेज करता था तो मैं उसको रिप्लाई करता था। बहुत सारे ऐसी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो देख रहे होंगे और जो एडमायर करते रहते हैं और जिन लोगों की जिंदगियों को बदला अल्लाह पाक ने, मुझे सबब बनाया, बेसिकली बदलने वाली तो मालिक की ज़ात है, लेकिन मेरी वजह से। तो मुझे ये बड़ी खुशी थी, मेरा मोटिव ये था कि अपने आप को बदलूं और मेरी वजह से किसी एक शख्स की अगर, ठीक है। तो मैंने इस तरह ये सफर शुरू किया। अभी मैं रिसेंटली जो है कुछ ब्रांड्स को कंसल्टेंसी देता हूँ और उसके अलावा मैं एक इदारे में पढ़ा भी रहा हूँ और उसके अलावा मेरा अपना भी एक स्टार्टअप है जिसको मैंने लॉन्च किया है एनरिचर्स के नाम से। उसका मकसद ये कि हम एक ऐसी मार्केट प्लेस बना रहे हैं जहाँ पर अगर कुछ डिफरेंट मेंटोर्स और स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाए। यानी कि अगर पाकिस्तान में अब देखें IT की फील्ड बहुत वास्ट है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जहाँ तक बात की जाए तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ब्लॉकचेन है, IoT है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा, डाटा साइंस है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूचरिस्टिक स्केल में इस वक्त है। जब हमने शुरू किया था तो बहुत कम लोगों को आइडिया था कि डिजिटल मार्केटिंग कितना ज़रूरी है आज के हर बिजनेस मैन के लिए। तो अभी ये मेरी कोशिश, हमने वो प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया कि वहाँ पर मुख्तलिफ मेंटोर्स को इकट्ठा किया जाए जो कि कोई SEO पढ़ाता है, कोई सर्च इंजन मार्केटिंग पढ़ाता है, कोई सोशल मीडिया और एक ही फील्ड के कई मेंटोर्स भी हो सकते हैं। और स्टूडेंट अगर उसके जहन में, हमने उसको इंशाल्लाह इसी तरह अवेयरनेस उसकी देनी है कि अगर किसी के जहन में स्टूडेंट के या किसी बिजनेस मैन के या किसी भी शख्स के आए कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को सीखना है तो उसको एक वन विंडो प्लेस मिल जाए जहाँ पर वो जाकर अपने मुताबिक मेंटोर को ढूंढ ले और उसके साथ कनेक्ट हो जाए। और ये इसके क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है, अभी हमें ये डायरेक्शन नहीं है कि करना क्या है। मैं खुद बीइंग ए करियर काउंसलर भी कोशिश करता हूँ जहाँ तक लोगों को हेल्प कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस की वजह से। और दूसरा ये है कि और लोगों को फिर अच्छे लोग नहीं मिलते, बिलीव करें मैं भी जब सीख रहा था तो हमें भी नहीं मिलता था। तो मैंने मेरी अब हमारा ये मकसद है कि हमने जब ये टाइम गुजारा
हम चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है, बेसिक मकसद हमारा है, हमारा टारगेट है यूथ को, यूथ को एम्पावर करना, और वो अगर सीखना चाहते हैं स्किल्स तो उसको एक ही वन मिनट बोले। मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह आपके साथ फिर सेशन करूंगा निश्चित तौर पर, अभी आज अपनी बात करेंगे। तो पूरी कोशिश यही होती है रिजवान कि हमारे, मैं तो सोबत उसको समझता हूँ, जैसे अभी आप और मैं भी एक सोबत है, इंटरनेट भी एक सोबत है, तो हम तो मैं तो सोबत उस चीज़ को समझता हूँ कि जिसमें आप या वैल्यू दे रहे हो या ले रहे हो उनमें काम हो रहे हो। मैं बहुत सारी चीज़ें जो लोग मेरे साथ इंटरव्यू करते हैं उनसे सीखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ मेरी वजह से भी देखने वालों की ज़ात में अगर कोई वैल्यू एडिशन हो जाए, कोई अवेयरनेस मैसेज मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। डिजिटल मार्केटिंग इज मोस्ट असेंशियल एंड रिक्वायर्ड स्किल फॉर दिस 21st सेंचुरी। अभी अगले 10 सालों में बहुत आम हो जाना, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं इसको जरूर सीखें। मैं डिजिटल मार्केटिंग का तारुफ अगर करवा दूँ, अगर क्वेश्चन आए तो आप जरूर मुझे बीच में रोक लीजिएगा, वरना मैं तो दिलपति बोल ही जाऊँगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर कोई नहीं जानता, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी बात जानते, हम भी नहीं जानते थे और अल्लाह ने हमें जानने अपने कर्म से अता किया और हम जान गए। डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली टू वायबल समबडी ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे कि मेरी अगर फर्ज करें एक कन्वेंशनल शॉप है, फर्ज करें एक जूट कॉर्नर है या एनी सॉर्ट ऑफ काम है मेरा ऑफलाइन, अब उसके लिए मैं जब उस बिजनेस पे मैंने एक दुकान बनाई हुई है और कैफे बनाया हुआ और अब उसमें लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं कैसे मार्केट करता हूँ? ट्रेडिशनल वे में मैं मार्केट इस तरह करता हूँ कि मैं जो है उसका ब्रोशर मुमने से ले जाए, बेटा भेजो उठा के, मैं सॉरी मैं ब्रोशर बनाऊंगा, बैनर बनाऊंगा, जबकि डिजिटली क्या होगा, डिजिटली होगा कि अब आपने दुकान बनाते हैं, इस डिजिटल वर्ल्ड में जब आप ऑनलाइन होना चाहते हैं, वायबल होना चाहते हैं, तो फिर आपकी वायबिलिटी होगी वेबसाइट। एवरीथिंग डिजिटल मार्केटिंग इज वेबसाइट सेंट्रिक। आपकी वेबसाइट ही आपका शोरूम होगा अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट ही आपका ऑफर का, अगर आप चाहे वो स्पेशली ब्रॉड के कस्टमर लेना है चाहे कुछ भी है। मुमना सॉरी मैं बस ऐसे में बच्चे भी लॉकडाउन है तो सारा इसी वजह से चल रहा है, हम भी घर में सारी चीजों के साथ ही। मुमना बेटे हमने को ले एक दफा सुन ले, मेरे ख्याल से एक दफा बहुत फन कर दे। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो मैं ये बता रहा था कि अब आपने वेबसाइट बनानी, डिजिटल मार्केटिंग का पहला स्किल हो गया वेबसाइट डेवलप। कोई इतनी बड़ी कोडिंग की बात नहीं है, कोड आपने बहुत बनवानी हो, अगर आपने फर्ज करें कोई कॉम्प्लिकेटेड साइट है तो डेफिनेटली आउटसोर्स कर दें। देखिए मास्टर ऑल कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, लेकिन आपको आज के दौर में यू शुड मास्टर जैक नो ऑफ ऑल होना चाहिए। आप बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको पता होना चाहिए वेबसाइट कैसे बनती है, उसका यूआई कैसा होगा, यूएक्स कैसे होगा, ठीक है, उसका यूजर इंटरफेस इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत क्रूशियल है। कि आपको वेबसाइट देखते ये ना लगे कि मैं 1990 की वेबसाइट देखता हूँ, आपको ये लगे कि जो लेटेस्ट आजकल ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट, जैसे हम कपड़ों में भी ऐसे होता है ना, आपने शर्ट को पिछले जमाने की पहनी हो तो पता लग जाएगा, इसी तरह वेबसाइट पे आपको आइडिया हो। लेकिन डिजिटल मार्केटर जो है एक वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना बहुत इजी है। आप आज सीखना चाहें इंटरनेट के इस दौर में यूट्यूब और गूगल जैसी दो बड़ी यूनिवर्सिटीज के होते हुए आप अपनी बेसिक नॉलेज पूरी करें और उसके बाद किसी मेंटोर के साथ अटैच। देखिए रोड मैप बड़ा इजी है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गूगल और यूट्यूब। आजकल जैसे बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम करंट टाइम में है और आइसोलेशन में है, सब लोग लॉकडाउन में है, तो यार इंटरनेट पे फजूल चीजें देखने से बेहतर है कि नेटफ्लिक्स। हर कोई नेटफ्लिक्स बात करता हूँ बड़ी हंसी भी आती है, मैं ये कभी भी एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट नहीं, हम भी नेटफ्लिक्स देखते हैं, लेकिन वो एक पोर्शन होता है ना, मेरे 24 घंटे दिन के हैं उसमें से 8 घंटे सोए हैं, 8 घंटों में से बाकी कुछ काम हो गए, 8 घंटे जो काम के उसमें से भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें यार, कम अज कम डेडिकेटेड आज भी रहते हुए 3 से 4 घंटे तो डेडिकेटेड दें अपनी लर्निंग के लिए। उसके अलावा भी 1 घंटे में मूवी, 1 घंटे की मूवी भी देखें, कोई मना नहीं करता, लेकिन एक प्रपोर्शन होना चाहिए। जैसे अल्लाह ने हमें तवाज़ुन दिया है, अगर नाक बड़ा हो जाए तब भी बुरा लगता है, आँख एक छोटी हो एक बड़ी हो वो भी बुरी, तवाज़ुन जो है बड़ी जरूरी चीज़ है। तो आप इस वक्त आपकी प्राइम प्रायोरिटी लर्निंग होनी चाहिए, यकीन जाने ये आपको अल्लाह पाक ने नेमत दी हुई है, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल पर भी सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है, मोबाइल पर आप वीडियोज देख सकते हैं, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और उसको प्रैक्टिकल करने के लिए लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप आजकल 5 से 10 हज़ार का भी लैपटॉप आता है, 10 हज़ार का तो रेहान अल्लाह वाला भी दे रहे हैं, उसके अलावा भी आप चाहें तो 10 हज़ार से उधार पकड़ के भी कर सकते हैं कि यार मैंने ये
काम करना है. वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो यकीन जाने एक इंटरनेट और एक लैपटॉप के होते हुए और तीसरी चीज आपको सिर्फ स्किल्स चाहिए. स्किल क्या है, कैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं. यूट्यूब पे आप, मैं कहता हूँ मुसलसल डेली एक घंटा दें सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट सीखने के लिए. एक हफ्ते बाद आप नैले से नैले इंसान भी हो तो 10 दिन बाद आप एक वर्डप्रेस की सिंगल पेज वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं. कितना इजीएस्ट. तो ये हो गया पहला स्टेप डिजिटल मार्केटिंग का. उसके बाद है आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कैसे अपनी वेबसाइट पर लोगों को लाना है. सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिक वे में कैसे आप फेसबुक पेज पर पेज बनाएंगे, कैसे आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाएंगे, कैसे, ये दो तो हमारे बहुत ज्यादा यहाँ चलते हैं. तीसरा हो गया ट्विटर, जो अगर आप इंटरनेशनली भी स्केल करना चाहते हैं. फोर्थ वन है जो है वो लिंक्डइन है, बड़ी प्रोफेशनल एनवायरमेंट है. उसमें भी आप अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाएं और अपने स्किल्स को वहाँ पर शोकेस करें. बहुत सारे लोग खुद आपको परसू करते हैं फॉर जॉब. अब ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग. उसके बाद हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे कीवर्ड सर्च करते हैं, उन किन कीवर्ड्स के ऊपर पोटेंशियल है. गूगल आपको खुद बताता है, डिफरेंट टूल्स बताते हैं. उसके ऊपर आपने आपको रैंक कर लें तो आपको खुद ही लोग आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लग पड़ेगी. आपकी चीज़ें हैं तो वो बिकने लग पड़ेंगी, आपकी सर्विस है तो वो बिकने लग पड़ेंगे. तो ये सारी चीज़ें देखिए, हर दुनिया में वो चीज़ मुश्किल है जो आपको नहीं आती. और आपके सीखने के लिए हमने 90s से सीखना शुरू किया. मैं आई एम 39, मैं इस वक्त 80 में पैदा हूँ. तो मैं यकीन जाने हमने वो दौर भी गुजारा है. मैं पढ़ने का, मुझे रिसर्च का शुरू से ही शौक था. तो 90s में हम बुक्स ले बड़ी मुश्किल से मिलते थे. आज आज के एरा में जबकि आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, आपके पास मोबाइल डिवाइस है या लैपटॉप है, आपको आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके अपने. अगर आप चाहें तो आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं इस आइसोलेशन के टाइम में. सुकून से बैठ डेली बेस पे ना भी आइसोलेशन तब भी सीख सकते हैं, लेकिन इस आइसोलेशन में तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एवरी प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो हम थोड़ा सा अजान भी हो रही है रिजवान, मैं थोड़ा एक अजान सुन लें या दो तीन इकट्ठी होंगी, लेकिन एक हम सुन लें. जी श्योर, शुक्रिया. जी अस्सलाम वालेकुम, आसान हो गई, थैंक यू. अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था रिजवान के हम लोगों को अब सीखने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय हमारी अपनी जात. हमें सिर्फ एक लर्निंग एटीट्यूड बनाना है और डेली बेसिस पे अगर हम 1 से 2 घंटे भी दे दें तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए. असल में हमारा एक तो अलमिया ये होता है, हम चीज़ चाहते हैं कि हर कोई हमें प्लेट में डाल के दे और चम्मच से हमारे मुँह में डाले. ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है.
पूरी दुनिया में होम स्कूलिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, बड़ी प्रिपेल्ड हो रही है। इस वक्त दुनिया में ट्रेडिशनल एजुकेशन से लोग मेंटोरिंग मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी में 4 साल, मैं ये नहीं अगेंस्ट हूँ कि आप बिल्कुल जाएं यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी तो गूगल, फेसबुक और यूट्यूब सब ने अनाउंस कर दिया कि वी डोंट रिक्वायर एनी डिग्री, वी रिक्वायर स्किल्स इन यू। तो अगर आप में स्किल है उनकी असेसमेंट को क्लियर करते हैं, टेस्ट पास करते हैं और आपके स्किल इतने केपेबल है और एक्सपीरियंस भी है तो यू कैन ज्वाइन। तो अब मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी करें, लेकिन वही 4 साल बाद भी हम डिग्री, मैंने पिछले साल अल्फा में मैं था, मैंने 100 से ज्यादा इंटरव्यू किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के इंटर्नीस का इंटर्नशिप प्लान में, तो मैंने देखा यार 4 साल पढ़ने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद यूनिवर्सिटीज, चाहे वो भावलपुर रहीमवर खान से लेकर इधर से पंजाब के आखिरी पिंडी तक थी, लेकिन लाहौर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थे बच्चे और बच्चियां, लेकिन वो पेस्टी उस यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, सिलेबस हमारा आउटडेटेड है, बच्चे को पता ही नहीं वो करके निकलता है अभी, उसको अगर रिएक्ट चल रही है उसको रिएक्ट पे काम लोग चाहिए तो रिएक्ट का बंदा ही नहीं मिलता, नेटिव में चाहिए, नोड जीएस में चाहिए। इस वक्त हमें अगर फर्ज करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कोर्स में नहीं पढ़ाई जा रही एक्चुअल लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर, और डिजिटल मार्केटिंग का तो आइडिया ही नहीं है। तो मैं ख्याल से हमें वो अब मेंटोरिंग मॉडल दुनिया में क्या हो गया है कि आप क्या करते हो कि आप 6 महीने एक मेंटोर के साथ आप ज्वाइन कर लेते हो, और वो मेंटोर क्या है उसका 10-12 साल का या 5 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, आप उसे पे भी करते हो उसके टाइम का, नॉलेज की तो कोई पेमेंट नहीं है, इल्म की तो कोई कीमत नहीं। तो आप क्या करते हो वो आपको वो सफर तय करा देता है जो आपने 4 साल लगाने थे, क्योंकि पैसे वापस आ जाते हैं, वक्त वापस नहीं आता, 4 साल आपके जिंदगी की एनर्जी के वो गुजर जाते हैं। उसमें अगर आपने मेंटोरिंग मॉडल पे गए होते हैं तो आप 6 महीने उसके साथ सीखते हैं और 3.5 साल का आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हो। तो 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद जहां आपने यूनिवर्सिटी में 4 साल बाद पहुंचना है और आप जीरो पे खड़े होंगे और फिर आप इंटर्नशिप और बाकी चीजें करोगे, आप भला हो जाते हो। तो जो लोग अभी भी यूनिवर्सिटीज में 4 साल की डिग्री कर रहे हैं और साथ साथ इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं, किसी अपने भाई दोस्त कजन की वजह से सीख लेते हैं चीजें, वो लोग कामयाब हो जाते हैं, वो जैसे डिग्री पास करते हैं दे गॉट जॉब। अभी अभी तो फ्रीलांसिंग यार प्लेटफॉर्म पाकिस्तान 3rd नंबर पे दुनिया में आ गया, लोग इस वक्त अपने कहीं गाँव में बैठ कर भी, अगर आपको स्किल्स आते हैं, आपने स्किल्स को लर्न किया हुआ है, तो आपके लिए बड़ा इजी है, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और आप पूरी दुनिया का काम करेंगे। हमारा तो मोटिव ये है कि पाकिस्तान में यार डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री लग जानी चाहिए पूरी दुनिया में। जब किसी को डिजिटल मार्केटिंग का काम करवाना हो, वेबसाइट बनवानी हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO करवानी हो, SEM करवाना हो या ईमेल मार्केटिंग कुछ भी इससे रेलेवेंट है, तो उसको पहले नंबर पर नाम याद आए पाकिस्तान। कहते हैं US में, दुनिया में उनको वहां पर लेबर है भी कम, उनके पास सोर्स और वो इंडिया देखे 90s से लेकर अब तक उसने कस्टमर सपोर्ट में अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा लिया। अब US में किसी भी ATM मशीन से कहीं भी आप हेल्पलाइन उठाते हैं तो दैट डायरेक्टली कनेक्टेड टू कोलकाता या इंडिया में कहीं, तो उन लोगों ने इसको बनाया, देखे हमें सीखना चाहिए और वाई नॉट, हम क्यों नहीं बना सकते कि हम लोग अपने लोग, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे लोग स्किलफुल हों, वो स्किल को सीखें, उनमें भूख प्यास होनी चाहिए, उन्हें ये जानना चाहिए कि यार ये कितनी कीमती चीज है, इससे ना सिर्फ हम लोगों को सर्विस दे सकते हैं एज वेल एज अपने काम को भी प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल। देखिए ना, आप अगर अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, आप एक अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको आती है, उसके थ्रू आप अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अभी इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में जब आप नहीं जा सकते, अब तो लोगों को कदर ही बहुत आ गई है, उन्हें हर चीज ऑनलाइन मंगवानी पड़ रही है, तो हर चीज ऑनलाइन परसू करना पड़ रहा है, तो कम से कम चलो लॉकडाउन का एक ये भी बहुत बड़ा है कि पूरी दुनिया जो है आशना हो गई हाउ टू लर्न ऑनलाइन रिमोटली, लोग नहीं थे इस तरफ, चलो अब लोगों को आइडिया हो गया, और दूसरा हाउ टू बाय ऑनलाइन। अब हमारा मकसद ये है इसमें जो सबसे बेहतर होना चाहिए वो कस्टमर सपोर्ट होनी चाहिए। अगर मैं कोई भी सर्विस दे रहा हूँ तो मुझे अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है, तभी मेरा रिस्क भी हलाल है। तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो देन डेफिनेटली हम उससे पहले तय कर लेते हैं और फिर उसको वो सर्विस देते हैं, और उसमें अगर कोई हम इजाफी भी दे दें कुछ उसको ऐसे बोनस भी, तो भी कोई बुरी बात। जी रिजवान, काफी बोल दिया, अब तो मुझे पानी पीना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपने बहुत सारे जो मेरे सवाल थे वो पूछने से पहले उनके आंसर कर दिए और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की आपने गुफ्तगू की है। मुझे सिर्फ ये मालूम करना, जैसे आपने खुद कह दिया कि आप तो गूगल और यूट्यूब खुद बहुत बड़ा उस्ताद है जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर आप वो जो कह रहे हैं कि 10 से 12 साल एक्सपीरियंस वाला जो मेंटोर है, फिर वो उसकी जरूरत उसके साथ है या यूट्यूब और गूगल से ही इनफ हो जाएगा
कि आप सीख के और डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात यार, बड़ा अच्छा रिजवान, वेरी गुड यार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अच्छा सवाल जो है वो निस्फ इल्म, आधा इल्म है अगर आप अच्छा सवाल कर ले। तो आई एम रियली अप्रिशिएट, मैं खुद भी बड़ा क्यूरियोसिटी किस्म का आदमी हूँ, सवाल करता रहा, अपने उस्तादों को बड़ा तंग किया है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। गूगल और यूट्यूब जो है ना, आपको इसलिए मैं उस पर पहले डाल रहा हूँ, एक मेंटोर जो है ना, आपको कभी भी जिसका 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो जेर जबर से नहीं पढ़ाएगा, अलिफ बे से नहीं पढ़ाएगा। यार मेंटोर को समझे यार, वो एक मुर्शिद होता है। मुर्शिद के साथ तो थोड़े लम्हे गुजरे भी जो है ना, वो आपके लिए, वो मौलाना रूम फरमाते हैं ना कि 7 साल इबादत, 100 साल इबादत एक तरफ, और अल्लाह वालों के साथ गुजरे हुए चंद लम्हे जो है वो एक तरफ। क्योंकि आप भी 100 साल इबादत करते रहे तो कुछ नहीं, कुछ आप फैज नहीं, इल्म नहीं पा पाए। जबकि उल्मा के साथ, किसी अल्लाह वाले के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा तो आपको कोई ना कोई फैज मिल जाता और उसको आप प्रचार। इसलिए तो आलिम का दर्जा ऊंचा है आबिद से, नो डाउट हमें आबद भी होना चाहिए, लेकिन आलम सिर्फ लोगों की दुनिया बदल जाती है, सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, उनको नमाज पे, रोजे पे लगा सकता है, अच्छाई पे लगा सकता है, जबकि आबद तो सिर्फ अपने लिए करी जा रहा है। तो मैं इंसानियत को समझता हूँ, सबसे पहले तो सेल्फ, हमारी इंसानियत शुरू ही वहां से होती है जब आप सेल्फ बियॉन्ड हिम सेल्फ होते हैं, अपनी जात से आगे सोचते हैं। बड़ा जरूर है कि हमें दूसरों के लिए भी सोचना है, यही नहीं कि मुझे, मैंने स्किल्स हासिल कर लिए बस ही, मेरे लिए बड़ा इजी है यार, अपना काम करी जो, क्या जरूरत है इतना टाइम निकालने की, किसी को कराने की भी। बड़ा मैंने बिलीव करें खुद फेस किया, जब मैं सीखना चाह रहा था तो मेरे करीबी लोग थे जो कि इन इस फील्ड में अच्छे थे, लेकिन उन्होंने नहीं हाथ पकड़ाया, और मैंने मालिक से कहा या अल्लाह तो करीम है, तू तो वसीले बनाने वाला है, तो मैं, मेरे अल्लाह ने बहुत असबाब बनाए और बहुत सीखा। हाँ, अब आपका जो पॉइंट है मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ, बड़ा जबरदस्त सवाल है। गूगल और यूट्यूब जो है ना, इसलिए जरूरी, मैंने आपको बताया कि आपका बेसिक लेवल इतना जबरदस्त हो जाए। मैं बेसिक इंफॉर्मेशन कोर्स देने के हक में हूँ, प्रचार करता हूँ, मेरे और भी बड़े सारे दोस्त हैं। हाँ, जो प्रीमियर नॉलेज है, जो एडवांस नॉलेज है, उसके लिए डेफिनेटली आप चार्ज, तो वो एक एडवांस लेवल, बेसिक तो हर बंदे का राइट है ना यार। जैसे तो अब आप जब मेंटोर के पास होते हैं, मेंटोर इस लेवल पे होता है तजर्बे, और उसके बाद कि वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे और एडवांस लेवल पे आ जाता है, वो आपको बिल्कुल अलिफ बे से नहीं कराएगा, उसके लिए और तरह है। देखा, टीचर और होता है, प्रोफेसर और होता है, और फिर मेंटोर और होता है, मेंटोर होता है जो आपकी जिंदगी बदले, वो वैल्यू एडिशन कर दे आपकी जिंदगी, वो मेंटोर होता है, वो मुर्शिद होता है। तो अब आपने गूगल और यूट्यूब को इसलिए यूज करना है कि पहले तो 3 से 6 महीने तो लगाओ ना यार उसके ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आपको, आप किसी से सीखने जा रहे हो, SEO में एक्सपर्ट है तो उसे पूछे जी डू फॉलो क्या, तो आपको वो बताए डू फॉलो लिंक क्या होते हैं, डो फॉलो लिंक क्या होते हैं, अच्छा जी इंडेक्स कैसे होता है। आप एक थोड़े से भरे हो, मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करूंगा आपके साथ, ये अली पास का एक बड़ा जबरदस्त सेशन था, 7 Steps to Wisdom, उसमें भी यही है कि आप चीजों को सीखे उसके बाद सिखाएं, और फिर आपको एट द एंड फिजिकल मेंटोर चाहिए होता है, फिजिकल मेंटोर आपके फिर काया पलट देता है, लेकिन उससे पहले उसके लेवल तक अपने आप को लाना है, ठीक है। वो आपको, अब मुर्शिद आपको नमाज ही ना सिखाता है, पढ़ो जी यदि अत्तयात कैसे होती है, ये चीजें आपने खुद करके आनी है। अब वो ये है कि आप उससे अगले दर्जा पे लेके जाए, तो आप गूगल और यूट्यूब वेरी एसेंशियल है कि आप सफर ही शुरू ना करें यार, मुझे तो कोई मेंटोर ही नहीं मिला, शुरू तो करो मेरे भाई आप 100%। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करता हूँ, और मौलाना रूम का एक कोट है, गोरे ने बहुत पढ़ा रूमी को, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, वो कहते हैं व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, जो आप ढूंढ रहे हो ना वो भी आपको ढूंढ रहा है, बस आप अलाइन तो हो उसके अंदर। अब मैं ढूंढ रहा हूँ किसी बंदे को जिससे डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, तो मैं गूगल और यूट्यूब से पहले बेसिक्स तो बना लूंगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, हाउ, उसमें क्या क्या स्किल है, अच्छा जी 6 स्किल है, वर्डप्रेस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, SEO है, SEM है, फेसबुक एड्स है, चलो जी एक एक को पकड़ के मैं सीखूं, देखना शुरू करूं, एक बेसिक लेवल तक मैं बना लूं, उसके बाद मैं मेंटोर ढूंढूं। यार अब मैंने इसमें अजीम होना है, जो भी सीखे उसमें अजीम हो जाए, एक्सलेंस होनी चाहिए आप, वो चाहे आप एक बिरयानी बनाने वाले हो, चाहे आप एक जूता पॉलिश करने वाले हो, आपने देखो कि मोची के पास बहुत ही रश होता है, लोग उससे पॉलिश करवा रहे थे क्योंकि उसने उससे अजमत हासिल कर ली। जो भी पकड़े, चाहे एक पकड़े, उसको सीखना शुरू करें गूगल यूट्यूब पे, फिर उसमें अजमत हासिल करने के लिए आपको यहाँ पे मेंटोर का काम आता है, वो आपको अपने 5 से 10 साल एक्सपीरियंस से बताएगा बेटा ये चीज वर्क करती है, वो सिर्फ स्ट्रेटेजी। देखा ना, दुनिया में स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे थे, क्या उनका तो हाथ से करने वाला कोई काम नहीं होता, एक इंडस्ट्री में ही एक कंपनी में चले जाए 8 घंटे की जॉब के मुख्तलिफ लोग पैसे ले रहे होते, एक गार्ड जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था, बारिश
सबसे कम पैसे ले रहा होता है और एक ठंडे एसी में बैठा हुआ स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहा होता है, वो सबसे ज्यादा पैसे ले रहा होता है, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उसने उसमें अजमत हासिल कर लिया। तो आपने अपने स्किल्स को फिर वो फ्लॉरिश करना है और वो जो उस लेवल पे बैठा होगा सीनियर लेवल पे वो आपको फिर स्ट्रेटेजी देगा, ये सब पता होगा कैसे कैसे लिंक बनाते हैं या कैसी कैसी पोस्टें डालते हैं, वो आपको बताएगा कब और क्या करना है, समझे? तो ये एक्सेलेंस है। वो एक बड़ी अच्छी मिसाल भी है कि किसी शख्स के कारखाने में उसकी मशीनरी मशीन एक रुक गई, उसकी प्रोडक्शन रुक गई, हजारों रुपए का उसका डेली नुकसान शुरू हो गया। उसने जनाब इंजीनियर बुलाए, किसी से होना ठीक है, तंग आके 2 दिन हो गए, उसकी प्रोडक्शन बहुत लॉस हो गया। उसने कहा यार कुछ कुछ इस तरह बुरा ना मनाए, आप इंजीनियर्स मंगवाए, मैं इंजीनियर की कॉम्पिटेंसी बनी जा रहा, जाहिर उनका अभी तजर्बा नहीं होता। उनका एक बंदा जो 20 साल तक काम कर रहा है वो टेक्नीशियन, तो आप बुलाए, तो ठीक है। उन्होंने बुलाया, उसने को 3-4 जगह कील थोड़ी मार के आवाज चेक की, एक जगह पे टोर से मारी, तो मत कहा चलाओ, चल गई मशीन। तो कहा बड़े खुश हुआ, उसने कहा अच्छा बिल भेजे। जब बिल भेजा गया तो $1,00,000 का था। वो बंदे ने मालिक ने कहा यार ये क्या बात हुई, ये आम सा बंदा मजदूरी को कंसल्टेंट है, तो इसने ₹1,00,000 किस चीज का ब्रेकअप भिजवाओ। तो ब्रेकअप भिजवाया तो उसने कहा जी थोड़ी मारने का जो है ना वो मैंने मारी थी वो उसके $1 है और $99,999 उस 20 साल के तजर्बे के हैं कि कहाँ थोड़ी मारनी थी उसमें। मैंने पता नहीं कितनी जगह पे हाथ भी अपने मेरे अंदर आए, कुछ मैंने और भी करंट भी खाया, बहुत सारी चीजें। तो ये कंसल्टेंट और मेंटोर लेवल होता है, उसने सारे दूसरे होते, उसको ये पता होता है कि यहाँ ये नहीं करना। That is also really very important. What do not to do. ठीक है, जो हम नहीं करना वो भी बहुत, जिस तरह ये बहुत important है कि क्या करना चाहिए, ये भी तकवा है ना। इस्लाम में भी हमें तकवा इसी चीज का नाम है कि बुराई से बचें। ये पता होना चाहिए कि ये नहीं करना यार। तो डेफिनेटली आप गूगल और यूट्यूब पे कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं डेली बेसिस पे उसको यार सीखें, और उससे भी मजेदार ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वो कामिल होता जाएगा, आप दूसरों को भी सिखाते जाएं। जैसे आप दूसरों को सिखाना शुरू करेंगे आप पर डिवाइन हेल्प खुल जाएगी, अल्लाह आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से, और वो जो मौलाना रूम अली बादस व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, आप भी लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सीखें और दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दें और फिर उस्ताद को भी लें और अपने आप को कामिल करें, अजमत की तरफ लाएं, एक्सलेंस की तरफ। व्हेन यू बिकम एक्सलेंट, वो 3 इडियट मूवी में जैसे रेंचू करता है कि उसके बाद डिग्री नहीं होती, हालांकि वो पढ़ता यूनिवर्सिटी, डिग्री जावेद जाफरी के बाद चली जाती, बट ही गॉट द एक्सेलेंस, और वो कहां पहाड़ों में बैठा होता है और उसके बाद जापानीज पेटेंट बनवाने जाते हैं। जब आप एक्सेलेंट हो जाते हैं किसी काम में, फिर आपकी सेकेंडरी जो चीजें हैं जैसे कि हमें पैसे भी चाहिए, हमें शोहरत भी चाहिए, वो सब मिल जाती है। लेकिन प्राइमरी कॉज, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू गेट एक्सेलेंस। आप बिलीव करो, आज तक सीखता हूँ, हर किसी से सीखता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा, मैंने अपने और बहुत सारे दोस्तों से सीखा। कभी हमें सीखने से हम एक ही चीज हमारे आड़े आती है, वो होती है मैं, और मैं इससे सीख, अच्छा ये मैं निकाल दे। आपको सीखने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, और सीखना सबसे बेहतरीन अमल है। इसको जब तक आपके सांस मौजूद है तब तक जारी रखें और सिखाएं, वो और अजीम कर देगी। आप जो सीखते हैं उसको सिखाना भी शुरू कर दें, ये ना सिक्योरिटी हो जाए। मैंने बहुत देखी थी यार आगे फिर साढ़ा की बनेगा, अल्लाह ने आप करे आपने अल्लाह की इज्जत, अल्लाह ने आपके लिए इज्जत रखी, आप जैसे भाई सुहेल भाई हमारे साथ मौजूद थे, और अभी मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से कोई इंटरनेट का इशू आ गया है। सुहेल भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नेट ने भी हमें बहुत तंग किया हुआ है, कह नहीं हम पैगाम में मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इस्मान जी आपका कोई क्वेश्चन हो, इस्मान आपको समझ आ गई होगी। सुहेल भाई आपका बहुत ज्यादा कीमती वक्त ये था, और इसमें मैं आप सवाल करके अदा रख दिया, और एक गायक आपको सारे फैमिली टाइम भी है। मुझे ये सिर्फ मालूम करना है कि जैसे हम लोग ये सोचते हैं, जैसे आपने तो ये कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से किसी भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में नहीं आ रहे कि लाइक उनका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है,
तो आपने जिस तरह अपनी सारी जो है जर्नी बताया, कहाँ से आप हुई सी और सारा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, अब इस वक्त फ्यूचर तो है ही यही है, आईटी का है। आप ये समझते हैं कि जो लोग आउट ऑफ आईटी फील्ड हैं, क्या वो आज इसको शुरू करके डिजिटल मार्केटिंग को फ्यूचर बना सकते हैं? बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखें जी, याद रखें आने वाले वक्त में और करीब वक्त में, यानी साल, दो साल, पांच साल या 2030 तक, जो भी बंदा टेक्नोलॉजी में नहीं होगा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, टेक को पकड़ें यार, कोई ऐसी बात नहीं जो अभी तक नहीं आया। एवरी डे इज ले चले पहले जाम एवरी डे इज अनदर एवरी डे इज न्यू डे एंड दैट गिव यू अपॉर्चुनिटी मेक योर फ्यूचर एंड चेंज योर पास्ट। यार कुछ भी नहीं है मसला, देखें टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हो सकता है, उसे पढ़ना है, देखने कोडिंग करनी है उसको, वो भी सीख सकता है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है कासिम हुसैन भी, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये जो हमारे एक और भाई हैं पठान, जिनका नाम भूल गया, वो भी बिल्कुल नहीं पढ़े हुए एंड दे आर टेक गाय यार। मैं कासिम हुसैन की बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया और ही इज पीएचपी डेवलपर यार, और उनका एक पूरा स्टार्टअप है और उन्होंने अपने नीचे लोग रखे हुए बहुत पढ़े पढ़े लिखे। तो बिल गेट्स कहता ना कि व्हेन आई फेल्ड इन माय मैथ सब्जेक्ट एंड वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट द टॉप इन मैथमेटिक्स, सो नाउ आई एम द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड ही इज वर्किंग फॉर मी। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाई। मैंने 30s में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मैंने शिफ्ट किया ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल में। बड़ा मुश्किल सफर था मेरे लिए, बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इस्तकामत दी। तो आप भाई कोई भी जो देख रहा है मुझे, कोई इतना मुश्किल नहीं यार। डिजिटल मार्केटिंग में तो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए कोई बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, आप में कॉमन सेंस होनी चाहिए, सीखने की जस्तुजु होनी चाहिए, अपनी जिंदगी, यकीन जाने आपकी जिंदगी और आपके हालात ना सालों में बदलेंगे, ना महीनों में बदलेंगे, ना दिनों में, सिर्फ उस दिन बदलेंगे जब आप सोच लेंगे कि आज मैंने बदलना है। सो प्लीज स्टार्ट दैट जर्नी, कम टू द टेक्नोलॉजी साइड। जो टेक्नोलॉजी में नहीं होगा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा यार। टीयर वन टीयर टू जॉब, गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग होगी, कौन सा ड्राइवर चाहिए होगा, सेल्फ ड्रिवन कार्स आ गई, ऑटोमेशन, एवरीथिंग जो है वो चली जाएगी ऑटोमेशन पे। आप किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के पराए में रहे। डिजिटल मार्केटिंग इज लेस टेक्निकल साइड एज कम्पेयर टू द बहुत ज्यादा कोडिंग करना, या जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काम कर रहे हैं, या जो लोग डेटा साइंस में, बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के वेन्यूज है, आप टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं। बस क्या चीज चाहिए, आपका मजबूत इरादा और आपकी मेहनत और जुस्तुजू, और आप में भूख चाहिए जिस चीज को सीखने के लिए। और सीखने के लिए कोई चीज में परेशानी नहीं करेंगे यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लोग इंटरनेट से सीख रहे हैं, यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट। हाँ, उसमें एक्सेलेंस के लिए आपको मेंटोर कनेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन पहले शुरू तो करो भाई। आपने 1000 मील का भी सफर तय करना, आपको पहला कदम तो निकालना पड़ेगा। अल्लाह उसने खुद कहा है कुरान में कि मैं उसको इंसान को नहीं देता जितनी उसकी कोशिश कर। हम कोशिश हमारा काम है, बाकी नतीजे अल्लाह की जात पे छोड़े जाते हैं। आपकी नीयत अच्छी हो, आप सीखते सीखते लोगों को भी सिखाना शुरू कर दें, तो अल्लाह की मदद वैसे शामिल हो जाएगी। आपकी वजह से किसी एक बंदे की जिंदगी बदल जाएगी, अल्लाह आपकी वैसे बदल। तो ये बस अपने जज्बा ले आए, सिर्फ अपनी जात तक महदूद ना हो, सीखने की हद तक सेल्फिश हो जाए। सीखे यार, हर बंदे से सीखे, हर जगह से सीखे, हर टाइम सीखे, और सिखाने के मामले में सखी हो जाए। इल्म को सिखाना भी जो है वो एक बहुत बड़ी सखावत है, माल के देने से बढ़कर तो इस काबिल कर देना कि वो कमाए, ये सबका जारिया हो जाता है। तो ऐसे है कि वो जब तक सारी जिंदगी कमाएगा, आपने अगर उसे सिखाया और उस्ताद का मतलब आप उस्ताद के मुर्तबे फायदा हो जाए। तो अल्लाह पाक ने कितने दर्जात रखे हुए। तो मेरे भाइयों, टेक्नोलॉजी में आना कोई मुश्किल नहीं, आज ही शुरू करें, अभी नाउ स्टार्ट नाउ, आज ही और सीखना शुरू करें। हर इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है, उसकी बेसिक कैपेसिटी बनाएं, आप पता हो, आप फिर उस सफर में आगे चढ़ बढ़ते जाएं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर कोई भी स्किल सीखते हैं तो फ्रीलांसिंग करना शुरू करें, जैसे कि फाइबर है, जैसे अपवर्क है, फाइबर से स्टार्ट ले लें, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, तो आप फ्रीलांसिंग सर्विस देने लग पड़ेंगे, आप स्किल अपने क्रिएट करते जाएं और कनेक्ट रहे हमारे साथ। मैं तो, हमने तो चिराग जलाया, वो कहते हैं हमने अब तो जो चाहे वही पाए रोशनी, हमने दिल जला के सरेआम तो ये चिराग जलाया। अल्लाह पाक बस इसमें इस्तकामत दे। प्लीज जो जो जिसको भी वीडियो अच्छी लगे वो इसको जरूर शेयर करें अपनी टाइमलाइन पे, पता नहीं किस शख्स की मदद हो जाए इसी बहाने से, आपकी शेयरिंग से। तो
तो वो इस तरफ सोच ले, इस सोच बदले और फिर वो अपनी बदल ले, तो किसान ये है। सुहेल भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और इतनी इतनी खूबसूरत बातों का कि टाइम गुजरने का एहसास नहीं हुआ और आपने इतनी खूबसूरत बातें की। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और होगी कि अगर ये जो मैं आपकी एक मैं देख रहा था प्रोफाइल के ऊपर आपने एक यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, तो आप लिंक भी दे दें ताकि जो लोग फर्दर ऑन ये सीखना चाहें वो इंशाल्लाह आपसे कनेक्ट होंगे। मैं रिजवान अभी आपको प्राइवेट भी भेज देता हूँ, एक मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें सारे लिंक्स हैं कि आप हमारी कम्युनिटी गूगल फेसबुक पे ग्रुप है उसको, मेरे पेज को और यूट्यूब चैनल को और लिंक्डइन पे डिफरेंट चैनल्स पे इंस्टा है, इनको ज्वाइन करें, सब कनेक्ट हो। मेरा तो मकसद है इंशाल्लाह कि डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको मेरी कोशिश यही होती है कि शेयर की जाए। इस मैं प्लेटफॉर्म को यूज करने का मकसद ये कि अल्लाह पाक ने अगर अपॉर्चुनिटी दी है कि आप एक अच्छी बात फैला रहे हैं तो उसको बहुत सारे लोगों को तो फैलाया जाए, तो मैं तो इसलिए यूज करता हूँ। फेसबुक 2007 से जब मैं यूज करता हूँ, बीच में बैन भी रही तो भी मेरा मकसद ये होता था कि मैं वैसे किसी को ये बात नहीं बता सकता जिस तरह फेसबुक। तो मैं रिजवान आपको प्राइवेट लिंक भी भेज देता हूँ, आप उसको शेयर कर, और मैं चाहूंगा फर्दर की सेशन रखे तो टॉपिक वाइज आप मेरे साथ कनेक्ट रहेगा तो हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी इंशाल्लाह बात। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं ये चाहूंगा जितने आपने कंबाइन सारे टॉपिक्स पे बात की है अब हम इन पे फर्दर ऑन सिंगल टॉपिक्स पे बात करते रहे, इंशाल्लाह आपसे सीखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई आपके कीमती वक्त का और आप कितनी खूबसूरत बात है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।